हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर यूट्यूब चैनल द फेवरलिंग। कहते हैं जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव मानव ही है, जिसने अपना खुद का विकास करके संपूर्ण सुविधाओं का उपभोग करने हेतु काबिल बनाया है। लेकिन संघर्ष और हक की लड़ाई में सभी जीवों में से मानव ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज बात करेंगे वर्ल्ड वार टू के दौरान हताहत हुए एक ऐसे देश के बारे में जिसने अपना सब कुछ खो दिया। TFL presents the nuclear attack on Japan। दिन था 6 अगस्त 1945 सुबह 7 बजे। जापानी रडारों ने साउथ की तरफ से आते अमेरिकी जहाजों को देख लिया। पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोककर जानकारी देने के साथ इमरजेंसी सायरन बजा दिया गया। यह प्लेन बॉम्बर प्लेन नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने के लिए भेजे गए थे। जापान में तब तक पेट्रोल की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इनको रोकने के लिए कोई भी जापानी विमान ना भेजा जा सका। इस विमान ने पीछे आते विमानों को कोडेड संदेश भेजा, ऑल इज वेल। 8 बजते बजते खतरे के सायरन बजना बंद हो गए। 8:09 पर B-29 इनोला गे विमान उड़ा रहे कर्नल पॉल डिबेट्स ने इंटरकॉम पे घोषणा की कि अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। ठीक 8:13 पर इनोला गे के बॉम्बेडियर मेजर टॉमस फेरवी के हेडफोन पर कर्नल पॉल डिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फेरवी को जैसे ही अपना लक्ष्य आओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर इनोला गे से लिटिल बॉय एटम बम हिरोशिमा पर गिरना शुरू हुआ। नीचे आते आते 43 सेकंड लग गए। तेज हवाओं के कारण यह बॉम्ब लक्ष्य से 250 मीटर हटकर दूर सी मार्क सर्जिकल मेडिकल क्लिनिक पर जा फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर था। जब वह फटा तो तापमान लगभग 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा, जिसने वहां मौजूद 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मार गिराए। बाद में इससे उत्पन्न हुए रेडिएशन ने कई हजारों लोगों की जान ले ली। इससे पहले जापान इस हमले को अच्छे तरीके से समझ पाता, अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अटैक करने के 3 दिन बाद दूसरे शहर नागासाकी में बॉक्सकार नाम के एयरक्राफ्ट से एक और परमाणु बम नागासाकी शहर में गिरा दिया। इस बम का नाम था फैटमैन। इस हमले में जापान के लगभग 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस एक्सप्लोजन के बाद इससे निकलने वाले जानलेवा रेडिएशन ने और भी कई लोगों की जान ले ली। इन दोनों परमाणु हमलों की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी के लगभग 2,50,000 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज़्यादा लोग आम नागरिक ही थे। बाकी बचे हुए लोग अगले 2 सालों में कैंसर जैसी घातक बीमारी के कारण मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब फटने के समय वहाँ का टेम्परेचर लगभग 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड था, और तो और मिट्टी के नीचे का तापमान भी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो लोहे को 1 मिनट में पिघला सकता था। हमले के समय 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग फैलता गया। इस परमाणु बम का रेडिएशन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसके चलते आज भी वहां जन्म लेने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर पैदा होते हैं। प्लानिंग के मुताबिक दूसरा बॉम्ब नागासाकी नहीं बल्कि एक और दूसरे शहर कोकुड़ा में गिराना था, लेकिन उस समय कोकुड़ा शहर का मौसम खराब होने की वजह से वहां पर प्लेन ले जाकर बॉम्ब गिराना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। इसलिए अमेरिकी बॉम्बर विमानों ने दूसरी चॉइस में नागासाकी पर बम गिराना उचित समझा। बॉम्ब गिराने वाले जहाज में 12 पोटेशियम साइनाइड की गोलियां भी रखी गई थी। प्लान फेल हो जाने पर जापानी सैनिकों के द्वारा पकड़े जाने पर पोटेशियम साइनाइड की गोली खाकर वह अपनी जान दे सके। हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराने से पहले अमेरिकी सेना ने
50 अलग अलग बॉम्ब युद्ध अभ्यास में जापान पे गिराए थे, जिसमें 400 लोगों की मौत और 1500 लोग जख्मी हुए थे। इस परमाणु हमले के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अपने सरेंडर होने की जानकारी सम्राट हिरोहितो ने खुद रेडियो के जरिए अनाउंस किया था। अगर जापान ने सरेंडर ना किया होता तो 19 अगस्त को जापान के एक और शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने की तैयारी में था। सुकोमो इमासी नाम का एक जापानी शख्स इन दोनों आक्रामक हमलों को होते हुए अपनी आंखों से देखा था। दरअसल जब हिरोशिमा पर हमला हुआ था, सुकोमो इमासी काम के सिलसिले में वहां मौजूद थे और वहां से जिंदा बचने के बाद अपने गांव नागासाकी चले गए। फिर वहां भी बॉम्ब गिरा दिया गया और वहां से भी ये जिंदा बच गए। हाल ही में 2010 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने हमले के 71 साल बाद हिरोशिमा श्रद्धांजलि देने गए थे। जापान ने इस हमले में मारे गए शहीदों के सम्मान में एक ज्वाला प्रज्वलित की है, जिसको तभी बुझाया जाएगा जब सभी देशों के परमाणु बम को नष्ट कर दिया जाएगा। साल 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तब इस युद्ध में अमेरिका का कोई भी योगदान नहीं था, लेकिन वह अपने करीबी दोस्त ब्रिटेन की हर मुमकिन कोशिश मदद कर रहा था। इसलिए जापान ने 1941 में 7 दिसंबर को प्रशांत महासागर स्थित पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी जहाज़ों पर बॉम्ब गिराकर हमला कर देते हैं और उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरिस ट्रूमैन ने जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। साल 1945 में युद्ध के दौरान जापानी ऑपरेशन मिशन डाउनफॉल के दौरान अमेरिका पर अटैक करने की साजिश कर रहा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरिस ट्रूमैन को इसकी भनक लगते ही एक मीटिंग करके उन्होंने जापान पर परमाणु बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी और उनके आदेश के एक घंटे बाद ही हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया। युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं होता और इसका एहसास वर्ल्ड वार टू खत्म होते होते विश्व के सभी देशों को हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में नुकसान सिर्फ जापान को ही नहीं बल्कि उस युद्ध में भाग लेने वाले सभी देशों को हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ नया देखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल द फेवर।